सो है गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि गाइस, जब आप अपने फ़ोन पे से अपने बैंक का बैलेंस चेक करते हैं तो गाइस, आपकी फ़ोन पे से आपके बैंक का बैलेंस चेक नहीं होता है, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम लिख करके आता है। अगर गाइस आपके भी फ़ोन में कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो गाइस, आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे और आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कैसे करेंगे, तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको पूरा फुल डिटेल में बताने वाले हैं। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और नॉलेजबल होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जब आप अपने फ़ोन पे से अपने बैंक का बैलेंस चेक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर अनअवेलेबल टू लोड अकाउंट बैलेंस लिख करके आता है। तो गाइस, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, तो मान लीजिए गाइस, अपने फ़ोन पे से अपने बैंक का बैलेंस हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना UPI पिन हम यहाँ पर डाल रहे हैं। उसके बाद में गाइस, जब हम अपना UPI पिन हम यहाँ से डाल देंगे, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर अनअवेलेबल टू लोड अकाउंट बैलेंस लिख करके आ रहा है। तो गाइस, आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद में गाइस, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, आपको सिंपली यहाँ पे माई मनी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस, आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस, आपको यहाँ पे सिंपली आपका बैंक अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे एक एरो का ऑप्शन हो रहा है, सिंपली आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस, आपको एकदम नीचे आना है। नीचे आने के बाद में गाइस, आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अनलिंक बैंक अकाउंट का। सिंपली आपको क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस, आपको अपने बैंक अकाउंट को यहाँ से अनलिंक कर देना है। उसके बाद में गाइस, आपका जो फ़ोन पे में आपका जो बैंक अकाउंट ऐड था यहाँ पे अनलिंक हो चुका है। उसके बाद में गाइस, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद में गाइस, आपको अपने होम स्क्रीन पर आना है। आपको अपने फ़ोन पे को यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद में गाइस, आपको यहाँ पर क्या करना है, अबाउट यहाँ पे ऐप इन्फो पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपके फ़ोन पे का जो पूरा डाटा है यहाँ से क्लियर करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पर एक क्लियर डाटा का ऑप्शन हो रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। और गाइस, आपको यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस, आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस, आपके फ़ोन पे का जो डाटा है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में गाइस, आपको अपने फ़ोन पे को ओपन कर लेना है। तो गाइस, जैसे आप अपने फ़ोन पे को ओपन करेंगे, उसके बाद में गाइस, आपको यहाँ से अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। तो चलिए गाइस, हम इसे क्या करेंगे, अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देंगे और आपको यहाँ पे प्रोसीड वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस, आपको यहाँ से लॉगिन विद OPT वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस, आपके मोबाइल नंबर पे एक OPT जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सेकंड तक आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे OPT अभी मेरे मोबाइल नंबर पर नहीं गया है। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे OPT ऑटोमेटिक यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद में गाइस, मेरा जो फ़ोन पे अकाउंट यहाँ पे बन चुका है। अब गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली आपको यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, आपका जो फ़ोन पे अकाउंट है यहाँ पे बन चुका है। सिंपली आपको यहाँ पे होम पेज पे यहाँ पे ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस, आपके फ़ोन पे से आपका जो भी बैंक अकाउंट लिंक था, आपको सिंपली अपने बैंक अकाउंट को यहाँ से आपको ऐड कर लेना है। तो चले गाइस, हम इसे क्या करेंगे, अपने बैंक अकाउंट को हम यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो फाइनली गाइस, अपने बैंक अकाउंट को यहाँ से ऐड कर लिए हैं। उसके बाद में गाइस, यहाँ पे कुछ देर तक यहाँ पे प्रोसेसिंग लेगा। मेरा जो फ़ोन पे से मेरा बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब गाइस, आपको यहाँ पे डन वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद में गाइस, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पर बैंक बैलेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद में गाइस, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। और गाइस, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से अपना UPI पिन डाल देना है। तो चलिए गाइस, हम इसे क्या करेंगे, अपना UPI पिन डाल देंगे और आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, जैसे आप ऐसे अपना UPI पिन आप डाल करके ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद में गाइस, आपके अकाउंट में बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। तो गाइस, इस तरीके से गाइस, आप अपने प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर गाइस, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो गाइस, आप सिंपली मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा वहाँ पर सॉल्व कर दिया जाएगा। तो गाइस, अगर आपके सामने आपके साथ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, सिंपली आप अपनी इस प्रॉब्लम को इजीली आप घर बैठे आप सॉल्व कर सकते हैं। सो आशा करते हैं कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे नए नए वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।